वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट अ नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू वीडियो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में आज हम क्लास फिफ्थ की जनरल नॉलेज का पेज नंबर 68 और पेज नंबर 69 कंप्लीट करेंगे। पेज नंबर 68 पर कुछ फेमस इंडियंस की इमेज उनके निक नेम के साथ दी गई है। हमें हेल्प बॉक्स की सहायता से उनके नेम लिखने हैं। कम टू दी फर्स्ट इमेज। फर्स्ट इमेज में जिस फेमस इंडियन को आप देख रहे हैं, जिनका निक नेम बिग बी है, वह एक इंडियन फिल्म एक्टर है। इनको आपने सोनी चैनल पर आने वाले टीवी सीरियल कौन बनेगा करोड़पति को होस्ट करते हुए देखा होगा। इनका नेम है अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट नंबर टू। सेकंड इमेज में जिस फेमस इंडियन को आप देख रहे हैं, जिनका निक नेम नाइट एंगल ऑफ इंडिया है, उनका रियल नेम है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू को नाइट एंगल ऑफ इंडिया का निक नेम महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था, क्योंकि वह एक कवियत्री थी। नेक्स्ट इमेज में यानी थर्ड इमेज में जिस फेमस इंडियन को आप देख रहे हैं, उन जिनका निक नेम बापू है, उनका रियल नेम महात्मा गांधी है। इन्होंने देश को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। महात्मा गांधी की इमेज को आपने भारतीय नोटों पर भी देखा होगा। नेक्स्ट इमेज नंबर फोर। मैं जिस फेमस इंडियन को आप देख रहे हैं, उनका निक नेम फ्लाइंग सिख है। इन्होंने देश के लिए दौड़ में पहला कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडल जीता था। इनका नेम है मिल्खा सिंह। नेक्स्ट इमेज, इमेज नंबर फाइव। मैं जिस फेमस इंडियन को आप देख रहे हैं, यह एक बंगाली कवि हैं। इन्होंने 1913 में यानी 1913 में नोबेल प्राइज जीता था। इनका नेम है रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट इमेज, मैं जिस फेमस इंडियन को आप देख रहे हैं, जिनका निक नेम हॉकी विजार्ड
यानी हॉकी का जादूगर है। यह एक फेमस इंडियन हॉकी प्लेयर है। इनका रियल नेम है ध्यानचंद। नेक्स्ट इमेज, इमेज नंबर 7। मैं जिस फेमस इंडियन को आप देख रहे हैं जिनका निक नेम मास्टर ब्लास्टर है, यह एक फेमस इंडियन क्रिकेट प्लेयर है। इनको वर्ल्ड क्रिकेट में एक महान बैट्समैन के रूप में भी जाना जाता है। इनका नेम है सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट इमेज नंबर 8। मैं जिस फेमस इंडियन को आप देख रहे हैं जिनका निक नेम मेलोडी क्वीन है, यह एक प्लेबैक सिंगर है और म्यूजिक डायरेक्टर है। इनको 2001 में यानी 2001 में भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया था। इनका नेम है लता मंगेशकर। नेक्स्ट नंबर 9। मैं जिस फेमस इंडियन को आप देख रहे हैं जिनका निक नेम टाइगर ऑफ स्नो है, यह एक माउंटेनियर है। यह 1953 में सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचे थे। इनका नेम है तेंजिंग नॉर्गे। तेंजिंग नॉर्गे को भारत सरकार द्वारा 1959 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट नंबर 10। नंबर 10 पर जो आप इमेज देख रहे हैं वह एक स्पेस साइंटिस्ट थे और यह 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे थे। इनका नेम है डॉक्टर अब्दुल कलाम। मोर फन अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम वाज अवार्डेड द पद्म भूषण, पद्म विभूषण एंड भारत रत्न। अब्दुल कलाम को और भी अवार्डों से सम्मानित किया गया था जिनमें शामिल हैं पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न। कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 69। नेम द गेम। गिविन बिलो आर नेम ऑफ सम फेमस स्पोर्ट्स पर्सन। यहां पर कुछ स्पोर्ट्स पर्सन के नेम दिए गए हैं। राइट नेम ऑफ स्पोर्ट्स और गेम दे आर एसोसिएटेड विद। हमें गेम का नाम लिखना है जिससे ये संबंधित है। फर्स्ट में है, इमेज में रफाल नडाल है। यह एक टेनिस प्लेयर है तो इसको हमें हेल्प बॉक्स की सहायता से कंप्लीट करना है। ये आपका हेल्प बॉक्स दे रखा है इसमें। तो ये एक टेनिस प्लेयर है। नेक्स्ट क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये फुटबॉल गेम से संबंधित है, ये फुटबॉल गेम को खेलते हैं। नेक्स्ट विश्वनाथन आनंद। ये जिस गेम से संबंधित है उस गेम का नाम है चेस।
नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर, जिनके बारे में हमने पेज नंबर 68 पे भी पढ़ा था। ये जिस गेम से एसोसिएटेड है, जिस गेम से संबंधित है, उसका नेम है क्रिकेट। नेक्स्ट संदीप सिंह, नंबर 5, ये जिस गेम से संबंधित है वो है हॉकी। नेक्स्ट इमेज यानी 6, टाइगर वुड्स, ये जिस गेम से संबंधित है उस गेम का नाम है गोल्फ। नेक्स्ट इज साइना नेहवाल, ये जिस गेम से संबंधित है उसका नेम है बैडमिंटन। नेक्स्ट नंबर 8, मोहम्मद अली, ये जिस गेम से संबंधित है उस गेम का नाम है बॉक्सिंग। नेक्स्ट नंबर 9, विराट कोहली, ये जिस गेम से संबंधित है उसका नाम है क्रिकेट। इस तरीके से हमने पेज नंबर 68 एंड 69 को कंप्लीट कर लिया है। वी विल मीट द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।